हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी भाइयों का एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और अभी हमें बनिहाल में, और कल शाम को ही हम बनिहाल आ गए थे, और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हल्की हल्की भी ठंड भी लग रही है। तो अभी हम धूप में खड़े हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम होटल के छत पर खड़े हैं और यहाँ से भाई ऊँचे ऊँचे पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ नज़र आ रही हैं, देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चारों तरफ ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं और उन पहाड़ियों पे हल्की हल्की बर्फ़ भी दिख रही है यहाँ से। और इस साइड में बनिहाल रेलवे स्टेशन ये है, इस साइड में ये बनिहाल रेलवे स्टेशन है जो हमारे पास में ही है, जो पाँच मिनट भी नहीं लगेंगे पहुँचने में। तो हमारा जो यहाँ से ट्रेन का सफ़र है श्रीनगर के लिए काफ़ी खूबसूरत और रोमांचक होने वाला है। तो भाई वीडियो तो काफ़ी खूबसूरत होने वाली है, तो भाई वीडियो बने रहिएगा। और इस साइड में ये रोड है जो श्रीनगर को गई है और अभी हल्की हल्की ठंड भी लग रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और धूप में है। तो चलिए भाई अभी हम चलते हैं बनिहाल रेलवे स्टेशन पे, क्या है कि ट्रेन का भी टाइम होने वाला है, तो चलिए निकलते हैं इस रोमांचक सफ़र पे। ये है बनिहाल रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे है। स्टेशन के पीछे ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं तो इसके चलते और भी भाई काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अभी सुबह के टाइम में कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ इस साइड में दिख रही है, यहाँ पे और काफ़ी सफ़ा बर्फ़ दिख रही है यहाँ पे। और हमने एक दो फ़ोटो क्लिक किए हैं जो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। ये पीछे के साइड में पहाड़ हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भी बर्फ़ ये है हल्की सी दिख रही है। और ये है पूरा रेलवे स्टेशन बनिहाल। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन जो 8 बजे की थी वो मिस हो गई थी। तो सोचने वाली बात है कि हम स्टेशन के इतने पास में थे फिर भी हमारी ट्रेन मिस हो गई, छूट गई हमसे। हम स्टेशन 5 मिनट लेट पहुंचे थे और क्या करें भाई, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हर एक से होती रहती हैं। तो हमसे भी आज गलती हो गई, हम स्टेशन के पास में थे फिर भी हम 5 मिनट लेट पहुँचे। तो चलिए अभी हमें यहाँ पर टिकट लेना है, जो यहाँ पे टिकट यहीं पे स्टेशन पे आकर ही लेना पड़ता है, ऑनलाइन तो होता नहीं है, खिड़की से ही टिकट लेना पड़ता है। तो अभी अगली ट्रेन हमारी है 11:25 की, हम एक घंटा पहले ही आ गए हैं क्योंकि भाई मेरी ट्रेन अगली मिस हो गई है। अगर ये ट्रेन मिस हो गई तो हमको ट्रेन दोपहर के 2 बजे मिलेगी, तो भाई इसलिए हम एक घंटा पहले ही आ गए हैं। इस साइड में वही बनिहाल रेलवे स्टेशन है, तो चलिए अभी टिकट लेते हैं। टिकट लेने के लिए शायद लाइन भी लगेगी, तो टिकट लेते हैं फिर ट्रेन का हम दिखाते हैं भाई कैसा होता है ट्रेन का सफ़र। यहाँ पे सामने ट्रेन टिकट मिल रहा है, लाइन तो काफ़ी लंबी है। और ये है ट्रेन का आने जाने का टाइम टेबल। चलिए अभी हमने टिकट ले लिया है, एक टिकट 45 रुपये का है और प्लेटफॉर्म पे हम आ चुके हैं, ट्रेन भी लगी हुई है। ट्रेन में तो भाई सीट खाली नहीं है, पूरी ट्रेन फुल हो चुकी है। और सीट देखकर भाई क्या बताएं, क्या है, कैसा सीट है इस ट्रेन की, बहुत ज़्यादा गंदी सीटें हैं इसमें। और सीट तो खाली नहीं है, हम ऐसे ही खड़े होकर श्रीनगर तक जाएंगे। और ट्रेन की हालत भाई देखिए, ऊपर ट्रेन टूटी हुई है, ऊपर तरपाल तना हुआ है। हंसी आ रही है भाई देखकर ट्रेन को, ये पूरा उस साइड तक टूटा हुआ है और पूरे में तिरपाल तना हुआ है। तो भाई हमने सोचा था कि कश्मीरी ट्रेन नंबर 1 की होंगी, लेकिन भाई यहाँ पे अभी ट्रेन पे आकर पता चला कि किस तरह की ट्रेनें हैं, कितने नंबर दें हम इस ट्रेन को। सीट हैं तो भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हैं और ट्रेन भी टूटी हुई है। चलिए जो है ठीक है, हमें कौन सा यहाँ हमेशा के लिए सफ़र करना है, आज ही आज सफ़र करना है, जैसा है आपको सफ़र दिखाएंगे। और अभी आपको हम सीट भी दिखा देंगे कैसी है कैसी नहीं है। ये देखिए ये सीटें हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गंदी सीटें हैं और पूरी ट्रेन फुल हो चुकी है। तो ये है भाई कश्मीरी ट्रेन। तो चलिए आपको हम नज़ारे दिखाएंगे ट्रेन से,
पहाड़ियों के नज़ारे देखने को मिलेंगे और शायद आपको बर्फ़ भी देखने को मिल जाए। चलिए वीडियो बने रहिएगा। अभी हम पूरे 2 घंटे बाद श्रीनगर पहुंच चुके हैं और सफ़र ठीक था। रास्ते में हमें थोड़ी बहुत बर्फ़ भी देखने को मिली पहाड़ियों पर और हरे भरे खेत भी देखने को मिले। काफ़ी अच्छा लगा सफ़र करके। मुझे सिर्फ कश्मीरी ट्रेन की एक चीज़ नहीं पसंद आई, साफ़ सफाई को लेकर। जो थोड़े बहुत सीट थे वो सब गंदे थे, तो वही मुझे पसंद नहीं आया। और तो भाई सफ़र काफ़ी अच्छा था, काफ़ी खूबसूरत सफ़र था। और इस साइड में ये श्रीनगर रेलवे स्टेशन है, बंगलो टाइम में है। और इस साइड में ऑटो, टैक्सी, बस ये सब मिल जाएंगी हमें। तो यही था इस वीडियो में। और इस साइड में काफ़ी एक ऊंचा पहाड़ भी है। तो यही था इस वीडियो में। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं नई वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।